सलाम दोस्तों, चाम्स किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी का नाम है स्ट्रॉबेरी स्टेम योगर्ट। ये योगर्ट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को तो ये योगर्ट बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप थिक योगर्ट, थोड़ा सा गाढ़ा वाला योगर्ट हमें चाहिए। फिर यहाँ पे है 1 कप फ्रेश क्रीम और हमें चाहिए 1 कप कंडेंस मिल्क। 3-4 स्ट्रॉबेरी को मैंने ऐसे चॉप करके ले लिया है। इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ऊपर हम थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए तो भी आप डालिए। अब हम सबसे पहले इसमें ये क्रीम डाल देते हैं। फिर हम ये कंडेंस मिल्क डाल देंगे। फिर ये इलायची पाउडर और ये ड्राई फ्रूट, सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। फिर हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ये हीट प्रूफ बाउल लिए हैं। अब हम इसमें निकाल देंगे योगर्ट। सभी बाउल में हम थोड़ा थोड़ा ऐसे भर देंगे। अपना योगर्ट भर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये सेफ्रन के धागे ऐसे डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो ही आप ये डालिए। अब हम ये बॉल को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। इस तरह से हम सबके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा देंगे। सभी बॉल को ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने जो इडली बनाते हैं वो कढ़ाई ली है और पानी डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया था और ऊपर ये जो जाली वाला स्टैंड रहता है वो रख देंगे। और उसके बाद उसके ऊपर हम ये अपने बाउल रखेंगे। अब इसको हम ढक के 20 मिनट तक मीडियम हीट पे हम इसको स्टीम करेंगे। 20 मिनट हो गया है, हमने गैस बंद कर दिया है और अब हम सारे बाउल को निकाल देंगे। सारे बाउल को हमने निकाल लिया है। अब हम एल्यूमिनियम फॉइल को निकाल देंगे। हमारा योगर्ट बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, दिखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए। हमारा योगर्ट ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रख के थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं खाने पे तो आप इसको डेजर्ट में भी दे सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है।
अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप भी अपने घर में स्ट्रॉबेरी योगर्ट बनाइए और एंजॉय कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।